साले थारे बाप का मोहल्ला है कि अम्मा का आंगन जो डोल रहे हैं यहाँ बिल्कुल ही। कौन है तू? मैं इंसान हूँ। तो हमने कब कहा कि तुम डायनासोर हो? गली गली में शोर है, ये इंसान नहीं डायनासोर है। बात काबिले गौर है, ये इंसान नहीं डायनासोर है। गुलगुली गोपी को और मत पटवाओ, तुम कौन हो ये जल्दी बताओ। ओके बाय। मैडम मैं इंसान हूँ। हाँ तो मैडम कौन सी लोमड़ी है? मेरा मतलब है यार हम सब इंसान है यहाँ पर। अम्मा बापू ने नाम रखा है थारा कोई, या पालने में रख के तने भूल गए और अपने सेकंड हनीमून पे चले गए थे? मैडम मेरा नाम है इलू, इलू इंसान। बटन खुला है। ओहो सदके जामा रांझिया, इलू इलू, ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू, इलू का मतलब आए लपड़ियू। कैरी ऑन। समस्या बोल अपनी। हाँ यार देखो जो भी समस्या है ना जरा खुल के गला खकार के बाल सवार के मैडम के सामने बोल डालो, जो भी राज है उसे खोल डालो, क्योंकि क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का सैंडविच गुस्से विच मिक्स हो गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की पीटू प्रियंका। मेरा मतलब है जुल्मी जीनत, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम मेरा एक पड़ोसी है। ओहो और पड़ोस में कितनी है महाराज? यार गुलगुल है, मैं क्या कह रही हूँ, इसके मोहल्ले में जितनी पड़ोसन है उनके हाथ में उनकी सैंडलें देके अगर इसके पीछे छोड़ दें तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट विल मेक। यार अब तुम बोलो यार। हाँ तो मैडम वो मेरा पड़ोसी है ना, वो मुझे बहुत तंग करता है। बटन खुला है। कैसे कर रहा तंग? मैडम वो मुझे रात में तंग करता है। बस अब तुम अश्लीलता का जोन, रंगीनियत का ओजोन पार किए जा रहे हो, ज्यादा हो रहा है। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे क्या बोल रहा है ये आदमी? कंफ्यूजन। रात को पड़ोसी तंग करता है नॉल। अरे रात में तंग करेगा तो रात को ही बोलूंगा ना। यार एक मिनट भाई, ऐसा है तू जो कहना चाह रहा है उसे खुल के कह ले, इन्हें देख मत तू, अबाइड कर। ऐसा समझ ले कि ये चौकी में कुछ ना है, फर्नीचर है बस। इसे समझ ले फटी हुई दरी जिसपे धूल जमी है घनी सारी, और इसको समझ ले एक पुराना घिसा हुआ सा टेबल लैंप टूटा हुआ। hey, hey! जो कबाड़े वाले को जल्दी बेचने वाले हम। तो मैडम बात यह कि ये जो मेरा पड़ोसी ना वो रात को मेरे घर में पिछले रास्ते से अंदर आ जाता है। अब मैडम कल की बात ले लीजिए, कल मैंने लखनऊ से रेवड़ियां मंगाई तो रात को मेरे घर में आया, रेवड़ियां खा गया। पेस्ट्री पड़ी थी, पेस्ट्रियां खा गया। नहीं। बटन खुला है। अरे किधर यार? अरे मैडम तीन दिन पहले मैं रात को 3 बजे उठा टॉयलेट के लिए तो मैंने क्या देखा कि ये पड़ोसी मेरे किचन में चाय बना रहा है और चाय पी रहा है बिस्कुट के साथ। मैडम अभी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। हाँ बटन खुला है। अब तो थारी जो है मुंह में जवान की जगह टायर लटक रही है। तू बोल ना सके उसे कुछ भी? मैंने बोला तो उसने कहा कि मैं नींद में चलता हूँ। मतलब वो जब भी चलता है वो नींद में होता है? ना नींद में चलता है। नहीं, मतलब वो चलते चलते नींद में होता है या फिर नींद में चलते हुए चलता है? अब कंफ्यूजन। I don't know, I'm confused. अबे यार उसने थारे से कही है कि वो नींद में चलते हुए वो सब कुछ करे? हाँ बटन खुला है। बुलवाओ जरा इसके पड़ोसी ने, हम भी देखें कौन हो रहा है स्लीपिंग हॉलो स्लीपलेस इन सिएटल। आइए आइए। मैडम बटन खुला है। ओह ये है पड़ोसी तुम्हारा? जी हाँ मैडम, हम ही इनके पड़ोसी हैं। कसम पप्पू रस्तोगी की।
पप्पू रस्तोगी कौन है, तुम्हारा भाई? जी नहीं, हमारा कुत्ता। योर डॉगी नेम था पप्पू दा रस्तोगी दा जी। अबे ओ साले, इसकी एक तो पहले ना इंग्लिश की क्लास बंद करवाओ, वरना हरियाणवी की कसम इसी बेल्ट से सूते हुए इंग्लैंड लेके जाऊंगी पैदल में इस पंजाबी को। कैरी ऑन। मैडम मैडम मैडम, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना, बटन खुला है। अबे तो हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? जान इब्राहिम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नाम क्या है? धारा? धारा नहीं मैडम, दारा। कसम टॉमी की। ये टॉमी कौन है, तुम्हारा कुत्ता? जी नहीं, हमारा भाई। कसम बबलू बिहारी की। बबलू बिहारी? ना 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 ना, अब मैं नहीं पूछूंगा ना 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 ना। के धमाल मचा रखा तेने, इसके घर में क्यों घुस जावे तू दिन रात? ना इसके पानी से लेकर फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर जो है माइक्रोवेव तक यूज कर रहा है तू, इसकी बीवी हो रहा है, गर्लफ्रेंड हो रहा है तू। इस बात के लिए हम खुद बहुत शर्मिंदा है मैडम, लेकिन क्या करें मैडम, मेडिकल प्रॉब्लम है, हमें नींद में चलने की बीमारी है मैडम। यार मतलब तू कहना चाह रहा है कि तैने कुछ भी रियलाइज ना होवे, मतलब कुछ तैने ना बेरा कि तू क्या कर रहा है जब तू नींद में होवे? कुछ भी नहीं मैडम। कुछ दिन पहले मैडम हम नींद में चलते चलते रोड तक पहुंच गए, और वहां जाकर हमने मिस्टर भटनागर की साली को छेड़ दिया मैडम, कसम मिसेस भटनागर की। अरे लेकिन मिस्टर भटनागर की साली रात को सड़क पे कर क्या रही थी? रात को नहीं, दिन में। जी हाँ, उस दिन हम दिन में ही सो गए थे, कसम पूनम तिवारी की मैडम। यार हम कैसे मान ले कि तू जो है सच कह रहा है कि तू नींद में चला करे, और यो सब कांड तू जो है नींद में करे। अब मैडम आप कैसे मानेंगी ये बात मैडम, कसम अनुराग निगम की मैडम। ऐसा है कि आज रात तू चौकी में रहेगा और चौकी में सोएगा, और मारे बालक करेंगे नाइट ड्यूटी। वैसे ही घड़ी जो है फ्री की नौकरी चल रही है इनकी, तो भैया आज रात तू यहाँ सोएगा, और फिर ये लोग देखेंगे कि तू नींद में चले है कि ना चले है। और अगर तो तू झूठ बोल रहा हो तो कसम ससी आंटी की, मैं तेने हमेशा के लिए सुला दूंगा। Carry on. Well, अरे भैया पुलिस की नौकरी तो सिर्फ एक बहाना है बापू, हमारा असली धंधा तो कुछ और ही है। जेके सेठ का नाम सुना है? हम उसी जेके सेठ के लिए काम करते हैं, और 1 करोड़ से भरा हुआ बैग हमने चिटपुटियागंज के पास जो एक बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे गाड़ रखा है, और निशान के तौर पर हमने उस पेड़ पर CR लिख दिया है, यानी कि करोड़ रुपये। कल रात को मौका मिलते ही हम वो 1 करोड़ का बैग वहां से निकाल लेंगे। अरे फिकर मत करो बॉस, हमारे कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे।
अरे यार काम की बात करो, इसके जो है पड़ोसी की क्या रिपोर्ट है? अरे मैडम वो तो एकदम इनोसेंट है मैडम, मैडम मुझे सच में नींद में चलने की आदत है। यस मॉम, हमने क्या क्या नहीं किया कि उसकी एक बार पलक झपक जाए, पर नो यूजलेस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी तुम लोगों के हिसाब से इसके पड़ोसी को सचमुच में नींद में चलने की बीमारी से? लेकिन मैडम बीमार है तो वो इलाज करवाए, लेकिन प्लीज आप उसे मेरे घर में आने से रोकिए, बटन खुला है। मैडम वो मेरी रेवड़िया खा रहा है, पेस्ट्रीज खा रहा है, अब मैं उस पे तरस भी खाऊं, बटन खुला है। मैडम ये आदमी बेकार की बातें कर रहा है मैडम। मैडम ये कोई क्रिमिनल केस है ही नहीं, ये तो एक सीधा साधा मेडिकल केस है। देखो तुम्हें अपने पड़ोसी से प्रॉब्लम है ना, तो उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जाके। की कोई जरूरत ना है, उसकी डॉक्टर मैं हूँ, क्योंकि ये कोई मेडिकल केस ना है बल्कि कानूनी केस है। यो भाई तुम लोगों के हिसाब से तुम लोगों के हिसाब से वो इनोसेंट है, क्लीन आदमी है, और तुम लोग मानते हो कि वो सिर्फ नींद में चलता है उसे बीमारी से, राइट? यस मॉम, हम उसे क्लीन चिट देते हैं। yes! तुम तो उसे क्लीन चिट देते हो, पर मैं उसे क्लीन बोल्ड करूंगी। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम जो कुछ कहना है जरा खुल के कुल्ला कीजिए, मतलब जरा खुल के बताइए। या मारा है फोन मारा। हेलो, हाँ ओहो आ गया, गुड। भैया ये बोलने का ना बल्कि दिखाने का टाइम आ गया है। यार कहाँ है यार, या तो पेड़ भी खत्म। CR 1 crore लग जा भाई। मिल गए 1 crore? नहीं अभी कहा, अभी तो शुरू हुआ। मैडम आप यहाँ? ओहो हकलाना शुरू, तोते भी उड़ गए हैं, बोलती बंद हो गई। मैं नींद में हूँ। अबे नींद में ना है, होशियारी में है तू। अबे पुलिस को के बच्चा समझा है कि तू गच्चा दे जाएगा? कैसे बेरा है 1 crore दवा है? दरअसल मैडम वो इंस्पेक्टर फोन में किसी से कह रहे थे। जब इंस्पेक्टर साहब किसी से फोन पे कह रहे थे तो तू तो सो रहा था है? तैने कैसे बेरा? मैडम वो मैं देखो भैया कि तुम्हारा खेल ना खत्म हो चुका है। हमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो मिस चौटाला के कहने पर किया। समझे? कि तुम हमारी जाल में फंस जाओ। और तुम जाल में फंस गए। अब तुम खाओगे जेल की हवा। अरे हवा पे से याद है, बटन खुला है। अरे मैडम माफ कर दीजिए, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, कसम मयूरी पांडे की मैडम। तो अब सच सच बताओ, ये नींद में चलने का नाटक तुम करते क्यों थे? इस इलू को परेशान करने के लिए। कुछ दिन पहले मैं इसके घर गया था एक कटोरी शक्कर लेने के लिए, इसने साफ मना कर दिया। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं इसके घर में घुस घुस के इसको परेशान करूंगा, कसम लल्लू लालवानी की। लेकिन मैडम आज फिर मैं एक कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं इसे कभी परेशान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। क्या कहते हैं सर, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? मुझे लगता है तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुफ्तखोरी तो हम भी करते हैं भैया। क्या मतलब मुफ्तखोरी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं है लेकिन इसे माफ कर देते हैं। व्हाट इज दैट? चल इस बार वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। ये दोनों पड़ोसी जो है ना प्रेम से रहो आजू बाजू में, लड़े ले रहे हैं बिल्कुल ही चीनी के लिए, गले लगो और निकलो। मिलो मिलो मिलो, बटन खुला है। अरे गले मिल गए, चलो चलो निकलो। चलो एक कटोरी शक्कर के लिए। अरे यार ना यार, वाह
सर इस केस में आपने घनी मदद करी, थैंक यू सर। देखिए मिस चौटाला, जब दो जाबाज ऑफिसर एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। आइए इसी बात पर हाथ मिलाइए। लड़की लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। हमेशा लड़कियों से दूर रहना, दूर रहना। नमस्ते। फ्यूजन।